नमस्ते, मेरा नाम है योगिनी सृष्टि और आज की वीडियो में आपको बताऊंगी आप कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से अपने लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं। बैठने के लिए आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है आप बहुत लंबे समय के लिए सीधी कमर करके नहीं बैठ सकते हैं तो आप एक तकिया लेकर अपनी कमर के पीछे भी लगाकर आराम से बैठ सकते हैं। तो अभी तो मैं तकिया लगाकर बैठी हूँ, जैसे भी बैठना चाहे बैठ सकते हैं। सिर्फ दिन के 15 से 20 मिनट आपको देने हैं इस ब्रीदिंग के लिए। हैंड्स आपके किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में रख लीजिए। स्टार्टिंग हम करेंगे समावृत्ति से, जिसमें आपको इक्वल टाइम में इनहेल और एक्सहेल करना है। जैसे कि अगर हम 4 सेकंड्स में इनहेल कर रहे हैं तो 4 सेकंड्स में ही एक्सहेल करना है। और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज हर कोई इंसान कर सकता है, डजंट मैटर कि उसको क्या बीमारी है क्या नहीं, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबके लिए है। तो हम 3 टाइम्स करेंगे, 4 सेकंड्स में इनहेल और 4 ही सेकंड्स में एक्सहेल। सेकेंड टाइप की ब्रीदिंग है रिलैक्सेशन ब्रीदिंग, जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए काफी लाभदायक है। इसमें क्या करना है, सिर्फ अपने एक्सहेलेशन का टाइम इंक्रीज करना है। अगर आप 4 सेकंड्स में इनहेल कर रहे हैं तो आपको 6 सेकंड्स में एक्सहेल करना है। आइडियल रेशियो 2:4 होता है, बिल्कुल डबल आपको एक्सहेल करना पड़ता है, बट स्टार्टिंग में इतना प्रेशर नहीं डालना। 4 सेकंड्स में इनहेल और 6 सेकंड्स में एक्सहेल, सिर्फ 2 बार करेंगे। आप इसकी रेपिटेशन अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कैसे करना है। ऑलराइट, थर्ड टाइप की जो ब्रीदिंग है वो कॉफी ब्रीदिंग है, वो हर कोई नहीं कर सकता है। तो अभी हम अभी के लिए इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, कॉफी ब्रीदिंग को, भस्त्रिका को। वो इंटेंस ब्रीदिंग है, तो वो कोविड पेशेंट्स के लिए या कोविड रिकवरी के लिए, या अभी आपको ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर आपका फ्लक्चुएट हो रहा है तो आपको नहीं करना है, तो इस ब्रीदिंग को हम किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी के लिए सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग जो हर कोई इंसान कर सकता है। अभी बात आती है शेप्स वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, तो आज हम स्क्वायर वाली एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें कि आपको एक इमेजिनरी स्क्वायर बनाना है अपने दिमाग में। स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, 2 ऐसे और 2 ऐसे। तो जब आप यहाँ से ऊपर जाएंगे आपको इनहेल करना है, जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर आएंगे आपको होल्ड करना है ब्रीदिंग को अपने अंदर, नीचे की साइड एक्सहेल, और जब आप हॉरिजॉन्टल नीचे वाले की साइड जाएंगे तो आपको बाहर की साइड सांस होल्ड करनी है। तो इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड, ये आपका स्क्वायर बनेगा। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट होता है तो आपका स्क्वायर का ये वाला पार्ट जो है होल्ड वाला, वो आपको कम कर देना है, रेक्टेंगल बना देना एक तरह से, ठीक है। तो अभी हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। अभी हम रेशियो लेके चलेंगे 4-4-4-4, ठीक है। ये मैंने 2 स्क्वायर बनाए हैं 4-4 सेकंड्स के। 4 सेकंड्स एक ऐसा नंबर है जिसको हर कोई ट्राई कर सकता है, बट अगर आप स्क्वायर का साइज बढ़ाना चाहते हैं, मेक श्योर कि आप में से किसी को कार्डियक इश्यू ना हो, या आप किसी को अगर बता रहे हैं तो उनको कार्डियक इश्यू ना हो, ठीक है। कार्डियक इशू है, ब्लड प्रेशर का इशू है, तो ये वाली ब्रीदिंग नहीं करनी है। आप नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल वाला कर सकते हैं, उसमें टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ ब्रीदिंग आती है, उसमें भी होल्ड ही करना है ब्रीदिंग को, तो अगेन ब्लड प्रेशर और कार्डियक इशूज वाले लोग इसे ना करें, बट ये एक्सरसाइज आपके लंग्स के लिए काफी अच्छी है। उसमें क्या करना है, इनहेल, अभी सांस को होल्ड किया और मूवमेंट की 5 बार, एक्सहेल कर दिया। इसमें होल्ड करना, जब आप होल्ड कर रहे हैं उस टाइम आपको चेस्ट की मूवमेंट करनी है ताकि आप अपने लंग्स को और ज्यादा ओपन कर सकें, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का ध्यान रखना है। एक बार और करेंगे होल्ड, अभी चेस्ट को आगे और पीछे मूव करना है, इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इनिशियल स्टेज पे
पांच से आठ सेकेंड्स तक सिर्फ होल्ड करना है ब्रीदिंग को, वो भी अगर नहीं हो पा रहा तो सिर्फ चार सेकेंड्स के होल्ड करके दो बार ये मूवमेंट, दूसरे रेपिटेशन में ये मूवमेंट होल्ड करके, तीसरे रेपिटेशन में ये मूवमेंट होल्ड करके और चौथे रेपिटेशन में ये मूवमेंट होल्ड करके, सिर्फ ये चार मूवमेंट करने, चार बार एक्सरसाइज करनी है। चौथा आता है अनुलोम विलोम, जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितनी भी इलनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। स्टार्टिंग करेंगे नॉर्मल, हम ये वाली मुद्रा बनाएंगे जिसमें आपकी फर्स्ट टू फिंगर्स आपके फोरहेड पर रहेंगी। इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल राइट से, अगेन इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। ये हुआ एक चक्र अनुलोम विलोम का। इसमें आपको कोशिश करनी है स्टार्टिंग ही आप पांच चक्र से करें और इसको बढ़ाते बढ़ाते 25, 30 जितने भी ज्यादा चक्र तक आप कर सकते हैं ज्यादा समय के लिए, वो आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा आता है नाड़ी शोधन, जिसमें आपको इनहेल करने के बाद होल्ड करनी है ब्रीदिंग अंदर, फिर एक्सहेल करना है, फिर इनहेल होल्ड एक्सहेल, ठीक है। नाड़ी शोधन उन लोगों को नहीं करना है जिनको पहले से हार्ट इश्यूज है और जिनको ब्लड प्रेशर के इश्यूज है। अब थर्ड टाइप ऑफ ब्रीदिंग आती है चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज, जिसमें आपको एक तरह से बाहें फैलाकर एकदम फ्री फील करके इनहेल करना है जितनी देर तक इनहेल कर सकते हैं एंड मुंह से एक्सहेल करना और एकदम मिला। ये वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज वाकई में आपकी बॉडी को एकदम रिलैक्स मोड में लेकर जाती है और आपकी लंग्स को भी ओपन करने के लिए काफी हेल्प करती है। और एंड में क्या करना है, एंड में नॉर्मल इनहेल एंड रिलैक्स, ये तीन चार बार आप ब्रीदिंग करिए। ये पैटर्न आप अपनी ब्रीदिंग का रखिए, बट होल्डिंग वाली एक्सरसाइज में वही ध्यान रखना है कि मैं बार बार ये चीज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन लोगों वाकई में ध्यान रखना है जिनको कार्डियक इश्यूज हैं, जिनको ब्लड प्रेशर इश्यूज हैं, उनको ब्रीदिंग होल्ड करने वाली में थोड़ा ध्यान रखना है और ना ही करें तो अच्छा है। नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल अनुलोम विलोम और ये वाली एक्सरसाइज आप चेस्ट ओपनिंग वाली कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत बहुत ज़्यादा काम आए और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में किसी को ज़रूरत है इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज की या सेल्फ प्रोनिंग की, जिसकी वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ जो कि आपके ऑक्सीजन लेवल को 10 से 15% तक बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकती है, आप प्लीज़ इन वीडियोज़ को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि मुझे लगता है आजकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि वीडियोस में कॉन्ट्राइंडिकेशन एडवांटेजेस सब कुछ है, बस आपको शेयर करना है और ये आप पार्ट अपना कर सकते हैं हेल्प करने में औरों को। नमस्ते।